आप देख रहे हैं दखल न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने नासिक से किया महाराष्ट्र में चुनावी शंखनाद, मंदिर और कश्मीर पर की बात। लड़ाकू विमान तेजस में रक्षा मंत्री ने भरी उड़ान, राजनाथ सिंह ऐसा करने वाले पहले रक्षा मंत्री। भोपाल के हनी ट्रैप गैंग का खुलासा, अधिकारी से 3 करोड़ मांगने वाली 5 हाई प्रोफाइल महिलाएं पकड़ी गईं। विवादित बयान पर सियासत, दिग्विजय सिंह के लिए मंदिर के दरवाजे बंद करने के लिए लगे पोस्टर। और ट्रेन में छत्तीसगढ़ के मंत्री का हुआ बैग चोरी, चोरी के लिए मोदी को ठहराया जिम्मेदार। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक से महाराष्ट्र में चुनावी मिशन का शंखनाद किया। नासिक की रैली में पीएम मोदी ने 2 अहम मुद्दे उठाए, कश्मीर और राम मंदिर का। पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर पर कुछ लोग बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं। मोदी ने कहा कश्मीर को फिर से स्वर्ग बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक में कहा कि हमने वादा किया था कि देश की सेना को सशक्त बनाने और अपने सैनिकों के सशक्तिकरण के लिए हर कदम उठाएंगे। हाल में 2 महाशक्तिशाली हेलीकॉप्टर हमारी सैन्य शक्ति का हिस्सा बन चुके हैं। बहुत जल्द राफेल फाइटर जेट भी हमारी वायुसेना को सशक्त करेगा। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को आज भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट निर्यात की जा रही है। भाजपा सरकार का मतलब है कि देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता, हमारे लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। कश्मीर को लेकर पीएम मोदी ने कहा, हमने पूरे देश से वादा किया था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की समस्याओं के समाधान के लिए नए प्रयास करेंगे। हमने वादा किया था जम्मू और कश्मीर और लद्दाख की समस्याओं के समाधान के लिए नई कोशिश, नए प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान को समग्रता से लागू करना सिर्फ एक सरकार का फैसला नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षा, उनके सपनों को पूर्ति का भी माध्यम बनने वाला है। अब हमें हिंदुस्तानियों ने कश्मीर बनाना है। कल तक कहते थे कश्मीर हमारा है, अब हिंदुस्तानी कहेगा हमें नया कश्मीर बनाना है, वहां फिर से एक बार स्वर्ग बनाना है, हर कश्मीरी को गले लगाना है। मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान को समग्रता से लागू करना सिर्फ एक सरकार का फैसला नहीं है, ये 130 करोड़ भारतीयों की भावना है, प्रकटीकरण है। पीएम ने कहा कल तक हम कहते थे कश्मीर हमारा है, अब हर हिंदुस्तानी कहेगा हमें नया कश्मीर बनाना है, हर कश्मीरी को गले लगाना है और हमें वहां फिर से स्वर्ग बनाना है। देश को एहसास है कि इस फैसले की आड़ में अस्थिरता और अविश्वास फैलाने की तमाम कोशिशों सीमाओं पार से हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने की भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम इस हिंसा से बाहर निकलने का मन बना चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। बेंगलुरु के सेंटर से तेजस विमान में वे सवार हुए थे। राजनाथ सिंह देश के पहले रक्षा मंत्री भी बन गए हैं जिसने तेजस विमान में उड़ान भरी है। तेजस विमान को HAL ने तैयार किया है। तेजस के साथ उस समय इतिहास बन गया जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसमें उड़ान भरी। बेंगलुरु के सेंटर से तेजस विमान में सवार हुए थे। राजनाथ सिंह देश के पहले रक्षा मंत्री भी बन गए हैं जिसने तेजस विमान में उड़ान भरी। लड़ाकू विमान के नौसेना संस्करण की सफल अरेस्ट लैंडिंग करवाई जा चुकी है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जो विमान वाहक पोत पर उतरने में सक्षम जेट विमान का डिजाइन तैयार करने में सक्षम है। तेजस की स्पीड उस वक्त 244 किलोमीटर प्रति घंटा थी और सिर्फ 2 सेकंड में उसे जीरो कर लैंड कराया गया। तेजस में रक्षा मंत्री की यह उड़ान उस वक्त पूरी हुई जब HAL को देश में बनाए जाने वाले 83 LCA Mark 1A विमान के निर्माण के लिए 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना मिलने वाली है।
इंदौर पुलिस ने भोपाल पुलिस की मदद से हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया है। इसमें शामिल महिलाओं पर आरोप है कि ये बड़े लोगों से दोस्ती कर उनके अंतरंग पलों को कैमरे में कैद कर ब्लैकमेलिंग किया करती थी। इनमें से कुछ महिलाओं के ताल्लुक बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से भी हैं। इस मामले में अभी बहुत सी बातों का खुलासा होना बाकी है। इंदौर पुलिस की निशानदेही पर बीती रात कई जगह छापामार कार्रवाई कर भोपाल पुलिस ने हनी ट्रैप में शामिल महिलाओं को पकड़ा। इसके बाद हनी ट्रैप गैंग का खुलासा हुआ। इंदौर के पलासिया थाने में एक सरकारी अधिकारी ने शिकायत की कि कुछ लड़कियां उन्हें हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल कर रही हैं। इस मामले में सामने आने के बाद भोपाल से पकड़ी गई महिलाओं के पास कुछ ऐसे दस्तावेज और वीडियो मिलने की बात कही जा रही है जो राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में भूचाल ला सकती है। सूत्र कहते हैं कि महिलाओं के ताल्लुक कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के अलावा अधिकारियों और व्यापारियों से भी हैं। सबके नाम पते और नंबर इनके पास मिले हैं। वहीं सरकार ने इस किस्से में खुलासे का स्वागत किया है और कहा है कि इस मामले की पूरी जांच कर सच साफ के सामने लाया जाएगा। और इस तरह के षड्यंत्र या मध्य प्रदेश जो कोई भी अगर कोई कानून को हाथ में लेने का काम करेंगे तो कानून से बढ़कर कोई भी नहीं, कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, कोई भी हमारी कार्रवाई से बच नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपनी पुलिस को बधाई देता हूं, अपनी टीम को बधाई देता हूं कि अभी ये जो कल से जो कार्रवाई जो हनी ट्रैप से संबंधित थी वो, और दो तीन दिन पहले जो जंगल के जो दस्यु थे जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कई सालों से करीब लगभग 12-13 सालों से कई जघन्य अपराधों में जो शामिल थे उनको भी जो एनकाउंटर में हमारी पुलिस की एनकाउंटर जो हुआ और बड़े जो दस्यु जिसमें कि पब्लिक कोल और लॉलेस कोल जो एनकाउंटर में मारे गए, तो ये बड़ी कार्रवाइयां हो रही। और जिस तरह से हमने पिछले विधानसभा के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने और हमारी पार्टी ने जो मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन दिए थे पुलिस से संबंधित कानून से संबंधित, उसमें हम लोग माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में बखूबी हम काम कर रहे हैं। सरकार का कोई मामला नहीं, लेकिन पुलिस ने इस तरह पकड़ा है, अगर कोई ब्लैकमेल करेगा तो कोई भी ब्लैकमेलर हो छोड़ा नहीं जाए। पार्टी का हो, अगर कोई ब्लैकमेलिंग का मामला है पुलिस के संज्ञान में, मामले इंदौर के हैं। इस मामले में फरियादी ने पुलिस को बताया कि आरती दयाल उसके एवं उसके अन्य परिचितों के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर कॉल एवं मैसेज किए जा रहे हैं। आरती दयाल ने इस अधिकारी से कहा कि तुम्हारा वीडियो क्लिप है, अगर चाहते हो यह वायरल ना हो तो इसके लिए 3 करोड़ रुपए दो। पैसा ना देने की स्थिति में आरोपी वीडियो क्लिप वायरल करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल कर रही थी। इस शिकायत पर पुलिस टीम ने जाल बिछाया और आरती दयाल को 3 करोड़ रुपए की पहली किस्त 50 लाख रुपए लेने के लिए बुलाया। आरती होंडा क्रेटा कार में इंदौर आई, जहां पुलिस ने आरती दयाल पति पंकज दयाल निवासी सागर लैंडमार्क मिनाल रेसिडेंसी भोपाल, उसकी सहयोगी नरसिंहगढ़ की मोनिका यादव पर ओम प्रकाश कोरी निवासी आदमपुर छावरी थाना बिलखेरिया भोपाल को पकड़ा। पूछताछ में आरती दयाल ने कुछ बड़े खुलासे किए, जिसके बाद भोपाल पुलिस एक्टिव हुई। आरती ने बताया कि उसकी साथी श्वेता जैन निवासी मिनाल रेसिडेंसी ने उसे करीब 8 माह पहले नगर निगम इंदौर के अधिकारी से मिलवाया था। आरती दयाल ने इस अधिकारी से मुलाकातें की और तब उसकी साथी मोनिका ने छुपके वीडियो क्लिप बनाया और ब्लैकमेलिंग शुरू कर गई। आरोपी आरती दयाल के बताए अनुसार उसकी महिला साथी श्वेता जैन पति विजय जैन निवासी जे 394 मिलाल रेसिडेंसी भोपाल की भी इसमें संलिप्तता पाई गई है, जिसके चलते महिला आरोपी श्वेता जैन को भोपाल पुलिस ने पकड़ा। आरोपी महिला श्वेता जैन के कब्जे से 14,70,000 रुपए नगद मोबाइल फोन बरामद किए। इसी काम में लिप्त इनके अन्य साथियों में श्वेता जैन पति स्वप्निल जैन निवासी रिवेरा टाउन भोपाल एवं बरखा सोनी पति अमित सोनी निवासी कोटरा सुल्तानाबाद को गिरफ्तार किया गया। आरोपी गणों ने पूर्व में अन्य किन किन लोगों के साथ इस प्रकार की वारदात कर ब्लैकमेल किया है, इस संबंध में पुलिस रिमांड लेकर इनसे पूछताछ करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने विवादास्पद बयानों के कारण चर्चाओं में ज्यादा रहते हैं। इस बार भी दिग्विजय ने एक अजीबोगरीब बयान दिया, कहा भगवा वस्त्र पहनकर सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं। इस बयान के बाद से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर आ गई और कहा दिग्विजय के बयान उनकी हिंदू विरोधी मानसिकता को प्रकट करते हैं। वहीं रात के अंधेरे में शहर के मुख्य मंदिरों में पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है कि दिग्विजय सिंह के लिए मंदिर के दरवाजे बंद हों। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के विवादित बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष खुलकर दिग्विजय के विरोध में उतर चुका है और शहर में
पोस्टर वार शुरू हो चुका है। रात को शहर के मुख्य मंदिर परशुराम मंदिर, हनुमान मंदिर, साईं मंदिर सहित कई मंदिरों के बाहर पोस्टर चिपकाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि दिग्विजय के लिए मंदिर के दरवाजे बंद हो। वहीं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा दिग्विजय के बचाव में नजर आए और कहा, दिग्विजय ने 3500 किलोमीटर पैदल चलकर नर्मदा जी की परिक्रमा की है, जो आज तक किसी राजनेता ने नहीं की। वो निश्चित तौर से जो कहना चाहिए, कावड़ लोग हैं जो इस तरह के पोस्टर लगाते हैं। स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी के उपस्थित से हैं। 3500 किलोमीटर की परिक्रमा की है नर्मदा जी की पैदल, उनके लिए जो भी ये करेंगे ये मान के चलिए उनको नर्मदा जी बख्शेगी नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने कहा था कि संत समाज को आगे आकर दिग्विजय सिंह के मंदिरों में प्रवेश पर रोक लगानी चाहिए। जनक है, हिंदू समाज, संत समाज और भगवा को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है और ये उनकी फितरत रही है। सभी मंदिर प्रशासन से, सभी मंदिर से जुड़े हुए संतों से ये अपील करता हूँ कि दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति को अब किसी भी देश के मंदिर में प्रवेश करने पर रोक लगाई जानी चाहिए। ट्रेन में सफर के दौरान छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम का बैग चोरी हो गया। उन्होंने बचकाना सा बयान दिया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि उन्होंने इसकी शिकायत जीआरपी थाने में दर्ज नहीं कराई। डॉक्टर टेकाम बिलासपुर जिले के पेंड्रा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने अमरकंटक एक्सप्रेस से पहुंचे थे, इस दौरान उनका बैग चोरी हो गया। छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा मंत्री का बैग ट्रेन से चोरी हो गया तो उन्होंने बड़ा बेतुका सा बयान दिया और इसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। बताया जाता है कि जब बैग चोरी हुआ तब उनके सुरक्षाकर्मी और पार्टी के लोग उनके साथ थे। स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में कैसे कैसे मंत्री हैं। पहले सुनिए मंत्री जी का बेतुका बयान। और ये चोरी चमारी करना है आपके जो रेलवे भारत के रेलवे तो मोदी जी रेलवे में चोरी करवा रहे हैं, मंत्रियों को बैग चोरी करवा रहे हैं, ये उनकी बैग चोरी को लेकर मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने मंत्री से पूछा कि आखिर बैग में ऐसा क्या था जिसे खोने से इस तरह वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उपासने ने कहा कि पार्टी इस मामले में कानूनी उपायों पर भी विचार कर रही है ताकि ऐसी अशिष्टता का समुचित जवाब दिया जा सके। उपासने ने कहा कि विश्व में सबसे लोकप्रिय जननेता और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत की साख को आसमान पर पहुंचा दिया, उनके प्रति किसी मंत्री की ऐसी बेजुबानी की जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बाढ़ से जो क्षति हुई है उसका आकलन किया जा चुका है, अब केंद्रीय राहत दल आकलन करेगा। पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है और निवेश से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा जिससे आत्महत्याएं रुकेगी। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बाढ़ से हुई क्षति को लेकर कहा कि प्रदेश में हुई हानि का आंकलन किया जा चुका है। गांधी सागर बांध से ही अकेले 11,851 करोड़ का नुकसान हुआ है, अब केंद्रीय राहत दल आ रहा है और वह आंकलन करेगा। शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी के उपदेशों को साल भर सरकार प्रचार करेगी, साल भर युवा पीढ़ी को कैसे उनके उपदेश बताए जाएं इस पर चर्चा की जाएगी। किसानों और युवाओं की आत्महत्या को लेकर शर्मा ने शिवराज के 15 साल के शासन को बताया और कहा कि सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया है, अब निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे युवाओं को रोजगार मिले और आत्महत्याओं को रोका जा सके। बता चुके कल पूरा और अब तो अध्ययन हमारा जो मध्य प्रदेश की सरकार ने कमलनाथ जी के इंस्ट्रक्शन से जो क्षति हुई है वो सब बता दिए सरकार ने। कल हमने बताया था कि 11,851 करोड़ रुपये जो है केवल गांधी सागर का है, बाकी सरदार मानसरोवर का अलग है। ये जो एक साल तक लगातार महात्मा गांधी के बारे में एक जो नई युवा पीढ़ी है उसको कैसे जानकारी दी जा सकती कि महात्मा गांधी ने और उनके नेतृत्व में जो भी कांग्रेस मैन थे उस समय। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से,
सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. के बाद आपका स्वागत है. रुक करते हैं अगली खबर की ओर. प्रधानमंत्री की नाराजगी और बीजेपी की नसीहतों का भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर कोई असर नहीं है. वे हर बार कोई ना कोई विवादित बयान देकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. इस बार तो साध्वी प्रज्ञा ने मीडिया के माइक पर ही मीडिया को बेईमान कह दिया, जिससे पत्रकारों में नाराजगी है और सभी पत्रकारों ने मिलकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है. भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयानों से गहरा नाता रहा है. चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सीहोर आई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया. इस बार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हमला लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किया और मीडिया को बाइट देते हुए कहा कि हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, सुनो सीहोर के मीडिया वाले बेईमान हैं. मीडिया को बेईमान कहने वाले बयान के बाद मीडिया के लोगों ने गहरी आपत्ति जताई है. सीहोर की मीडिया के सभी पत्रकार सांसद प्रज्ञा के विरोध में तहसीलदार और कोतवाली टीआई मनोज मिश्रा को ज्ञापन सौंपा और नारे लगाए. साथ ही मांग की है कि प्रज्ञा ठाकुर को, जो कि एक संवैधानिक पद पर हैं, बिना किसी सबूत के पत्रकारों को बेईमान कह रही हैं, साध्वी पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए. दरअसल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अपनी खुन्नस सीहोर के पत्रकारों पर निकाल रही हैं. कुछ महीने पहले अपने शौचालय वाले बयान को लेकर साध्वी पर जिस तरह भाजपा ने शिकंजा कसा और वरिष्ठ भाजपा नेताओं के साथ साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को डांट लगाई, वह बयान वाला वीडियो सीहोर के पत्रकारों ने ही वायरल किया. जबलपुर वेटनरी विश्वविद्यालय के छात्रों ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार की अर्थी निकाली. अपने आंदोलन का आगाज करते हुए छात्रों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है. अपनी उचित मांगे पूरी न होते देख वेटनरी विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपना क्रमबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है. छात्रों ने आरोप लगाया है कि छात्रों के हित में सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है. उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हमारा आंदोलन और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगी. जबलपुर के साथ महू और रीवा वेटनरी कॉलेज के छात्रों ने भी प्रदर्शन किया. छात्र लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. मनुष्य को वन प्राणियों से जोड़ने के लिए रीवा जू प्रशासन ने एक पहल की है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी वन्य प्राणी को गोद ले सकेगा. जानवरों के गोदनामे के वार्षिक, छमाही, तिमाही और मासिक रेट तय किए गए हैं. सबसे ज्यादा रेट जंगल के राजा शेर का है. इसे 4,14,000 रुपए देकर गोद लिया जा सकता है. मातरंड सिंह जुदेव टाइगर सफारी में अब जानवरों को गोद लिया जा सकेगा. इसके लिए जू अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी है. इसमें प्रत्येक जानवरों को गोद लेने के लिए वार्षिक, छमाही, तिमाही और मासिक रेट तय किए हैं. इसके आधार पर आप किसी भी जानवर को गोद ले सकेंगे. जंगल के राजा शेर का रेट 4,14,000 रुपये रखा गया है. वहीं तेंदुए का वार्षिक रेट 1,65,600 रुपये है, जबकि सबसे कम चिंकारा हॉक डियर का रेट रखा गया है. डीएफओ ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में वन्य प्राणियों के प्रति जागरूकता लाना है. ये जो योजना है, इसको हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ पर जैसे हमें शासन से स्वीकृति जैसे मिलेगी, हम स्टार्ट कर देंगे. ये योजना का नाम जो रखा है हमने, वन्य प्राणी अंगीकरण योजना, एनिमल एडॉप्शन स्कीम. इसके तहत हम, इसका जो उद्देश्य है, जो मेन उद्देश्य है इसका, कि इसका जो जन जागरूकता में वन्य प्राणी की जागरूकता, सजगता बढ़ाना. आम आदमी जो है अडॉप्ट कर सकता है, चाहे वो एक दिन से लेके वो एक साल तक के लिए इसको अडॉप्ट कर सकता है. जो अडॉप्ट करेगा उसका एक्चुअली यहाँ एक पोस्टर भी बनेगा, मतलब उसका एक बैनर भी लगाएंगे हम, और साथ में वो अपने अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों को जो अपने खास है, उनको आप उस माध्यम से, उस योजना के माध्यम से उनको वो यहाँ पर विजिट भी करा सकते हैं, और उनको एक हम सर्टिफिकेट भी देंगे इसका. गौरतलब है कि रीवा मुकुंदपुर स्थित व्हाइट टाइगर सफारी में करीब 640 हेक्टेयर में मांद रिजर्व बनाया गया है. इसमें से 75 हेक्टेयर में चिड़ियाघर और 25 हेक्टेयर में व्हाइट टाइगर सफारी है, जिसमें जू एंड रेस्क्यू सेंटर
ब्रीडिंग सेंटर भी बनाए गए हैं। जिले के मुकुंदपुर में दुनिया की पहली व्हाइट टाइगर सफारी का लोकार्पण 3 अप्रैल 2016 को किया गया था। इस सफारी में सफेद बाघों के साथ ही अन्य वन्य प्राणी भी देखने को मिलते हैं। प्राचीन माँ विजयासन देवी मंदिर में नवरात्रि पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में मेला लगता है। नवरात्रि में लगने वाले मेले में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी श्रद्धालु को असुविधा ना हो, इसके लिए कमिश्नर व आईजी ने बैठक ली। नवरात्रि मेले में माँ विजयासन धाम पर लाखों की संख्या में भक्तों का तांता लगा रहता है। दूर दराज से लोग मंदिर आते हैं। कई भक्त 9 दिनों तक वहीं डेरा डालकर रहते हैं। अक्सर भीड़ में कई हादसे हो जाते हैं। इसको देखते हुए संभागायुक्त कमिश्नर कल्पना श्रीवास्तव ने एवं आईजी योगेश देशमुख ने मीटिंग ली। साथ ही जिला कलेक्टर, एसपी और सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में विशेष तौर पर कहा गया कि 9 दिनों तक मेला सुचारू रूप से चले, किसी भक्त को कोई समस्या ना आए और कोई अप्रिय घटना ना हो, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, मेडिकल सुविधा का इंतजाम भी हो, मंदिर जाने के रास्ते सीढ़ी मार्ग, सड़क मार्ग पर लाइट की व्यवस्था, मेला ग्राउंड में टेंट, सभी पदयात्रियों के लिए रास्ते में लाइट, पानी, शौचालय और साथ ही भूतड़ी अमावस्या पर नर्मदा आवली घाट पर नहाने की सारी व्यवस्था की जाए। इसी घाट पर भूतों का मेला भी लगता है। इसके बारे में आज बताया गया है और मीटिंग भी इस पे की गई है। कलेक्टर साहब ने अपनी तरफ से निर्देश दिए और हम भी इसको गवर्नमेंट लेवल पर टेकअप करके ये सुनिश्चित कराएंगे कि जब बर्फ के टाइम पर इसमें सुधार आ पाए। हर बात पे ध्यान दिया है और हर बात पे उनकी नज़र भी है और पूरा उनकी तरफ से यह प्रयास है कि जो पर्व की जो तैयारियां हैं वो पूरी रहे और प्लस जब शुरू होगा अपना मेला तो वो अच्छी तरह से संपन्न होगा। अति बारिश और फसल की बर्बादी से इस समय मध्य प्रदेश का किसान परेशान है। ऐसे में भी किसानों को लेकर अधिकारियों का लापरवाह रवैया सामने आ रहा है। इन अधिकारियों को किसान की बात बकवास नजर आती है। मध्य प्रदेश का किसान खून के आंसू रो रहा है। मौसम की मार से किसान परेशान है तो अधिकारी अपनी ही मस्ती में हैं। इन अधिकारियों को किसानों की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। ये नज़ारा है कुरवई के एसडीएम के दरबार का, जहां वह किसानों की बात को बकवास कह रहे हैं। यही तो वो अधिकारी हैं जिनके कारण कमलनाथ सरकार की छवि खराब हो रही है। इस वीडियो में एसडीएम किसान की बात को बकवास बता के उसे बाहर जाने को कह रहे हैं। किसान का पैसा बीमा बैंक काटती तो किसानों के आवेदन भी बैंक में जमा होना चाहिए और रिसीव भी मिलनी चाहिए, पर यही बात एसडीएम साहब को समझ नहीं आई और वे किसानों की बात को बकवास कहने लगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।